हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैंने आपके लिए 1 मई 2020 का करंट अफेयर्स नया नया लेके आया हूँ और गजब गजब करंट अफेयर्स लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहे और ये वीडियो आपको सुबह 4 बजे उपलब्ध हो जाएगा मेरा इसी चैनल पे दोस्तों। तो चलिए देर ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन अमृत योजना लॉन्च की है? जीवन अमृत योजना को किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए दोस्तों, मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में जीवन शक्ति योजना शुरू किया गया है और ये आपके सामने है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने जीवन शक्ति स्कीम को लॉन्च किया है बूस्ट इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ सिटीजन्स के लिए। मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन अमृत योजना शुरू की है ताकि लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कोविड-19 बीमारी से मुकाबला किया जा सके। राज्य में आयुष्मान विभाग द्वारा तैयार त्रिकूट चूर्ण नामक आयुर्वेदिक उत्पाद को 1 करोड़ परिवारों को 50 ग्राम के इस पैकेट को वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। अब चलिए दोस्तों, यहाँ मध्य प्रदेश का बात आया तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं, जिसका राजधानी है भोपाल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके सामने है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है लालजी टंडन। मध्य प्रदेश का स्थापना हुआ था 1 नवंबर 2020 को। मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 50, विधानसभा सदस्यों की संख्या 230, लोकसभा सदस्यों की संख्या 29, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11 है। अब चलिए एक एक करके सभी ऑप्शन के बारे में भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़, जिसका राजधानी है रायपुर। अब रायपुर को नया रायपुर या अटल नगर के नाम से जाना जाता है। अगर आपको नेम चेंज से वीडियो देखना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं, नेम चेंज से सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मौजूद है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, गवर्नर है अनुसुईया उकोय। छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या है 16, विधानसभा सदस्यों की संख्या 90, लोकसभा सदस्यों की संख्या 11, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 5 है। छत्तीसगढ़ का स्थापना हुआ था 1 नवंबर 2000 को। ये केरल देख लेते हैं, जिसका राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। केरल में कुल जिलों की संख्या 14, विधानसभा सदस्यों की संख्या 140, लोकसभा सदस्यों की संख्या 20, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 9 है। केरल सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य है भारत का और केरल का एक जिला है एर्नाकुलम, जिसका साक्षरता दर है 99.2%, जो कि भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला जिला है एर्नाकुलम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने है। हाल ही में एनटीपीसी ने कितनी हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित बस और इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च की है? दोस्तों, एनटीपीसी के द्वारा हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित बस और इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च की गई है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी 10। दोस्तों, 10 इलेक्ट्रिक बस और कारें लॉन्च की गई है एनटीपीसी के द्वारा, हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला। एनटीपीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो दोस्तों, एनटीपीसी ने हाल ही में नई दिल्ली और लेह में 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित बस और 10 इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च की है। पर्यावरण अनुकूल इन बसों में हाइड्रोजन ईंधन आधारित सेल होता है। चलिए, यहाँ एनटीपीसी का बात है तो एनटीपीसी के बारे में जान लेते हैं, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसका स्थापना किया गया था 1975 में और इसके चेयरमैन है वर्तमान समय में गुरदीप सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, हाल ही में किसे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया गया है? अगला दूत नियुक्त किया गया है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला दूत किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, मनीषा सिंह। दोस्तों, मनीषा सिंह को हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया गया है और ये आपके सामने है मनीषा सिंह। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टार मार्क कर लीजिएगा दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारतीय मूल की मनीषा सिंह को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया गया है। मनीषा सिंह अभी विदेश विभाग में सहायक मंत्री हैं। चलिए, यहाँ अमेरिका का बात आए तो अमेरिका के बारे में भी जान लेते हैं, जिसका राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका का मुद्रा है अमेरिकन डॉलर और अमेरिका के वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा आपके सामने है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपने 2020-21 के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर कितना फीसदी कर दिया है? इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपने 2020-21 के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर कितना फीसदी कर दिया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी 1.9 फीसदी, 1.9% कर दिया है। और इससे पहले
इसने अनुमान लगाया था 3.6% दोस्तों, और इसे घटा करके कर दिया है 1.9%, 1.9%, जो कि घटकर पिछले 29 वर्षों में सबसे कम वृद्धि होगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां आपके सामने है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है जरूरी। हाल ही में अरुण कुमार को कितने वर्ष के लिए अमेरिकी क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार को हाल ही में कितने वर्ष के लिए अमेरिकी क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 वर्ष। दोस्तों 2 वर्ष के लिए अरुण कुमार को, ये आपके सामने है अरुण कुमार, जिन्हें अमेरिकी क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है 2 वर्षों के लिए। खिलाड़ी और कोच के तौर पर रणजी ट्रॉफी जीतने वाले अरुण कुमार को 2 वर्ष के लिए अमेरिकी क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है। इससे पहले हैदराबाद और पुदुचेरी क्रिकेट टीम के कोच रह चुके हैं। अब चलिए अमेरिकी क्रिकेट टीम के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर है कोलोराडो यूएस में, और चेयरमैन है पराग मिराथे, सीईओ है लेन हिसेंस। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसे कतर राज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? कतर राज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, दीपक मित्तल। दोस्तों दीपक मित्तल ये आपके सामने है दोस्तों, जिन्हें कतर राज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, दीपक मित्तल को, ये आपके सामने है। दीपक मित्तल को कतर में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि पीयूष श्रीवास्तव उसी क्षमता में बहरीन के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। दोनों 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, पवन कपूर, ये आपके सामने जो ऑप्शन बी में दिख रहे हैं, पवन कपूर जो कि यूएई में भारत के राजदूत हैं, और अजय बिसारिया जो देख रहे हैं ऑप्शन सी में, ये पाकिस्तान में भारत के राजदूत हैं, और तरनजीत सिंह संधु जो कि यूएसए में भारत के राजदूत हैं। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ कतर का बात आया तो कतर के बारे में भी जानकारी ले लेना जरूरी है दोस्तों। चलिए थोड़ा सा जानकारी कतर के बारे में भी ले लेते हैं, जिसका राजधानी दोहा है और मुद्रा है कतरी रियाल। कतर के प्रधानमंत्री हैं शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल्ला अजीज अल थानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां आपके सामने है, हाल ही में किसने भारत के सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है? दोस्तों हाल ही में कुछ दिन पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ लिए थे संजय कोठारी, और अब यह क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि हाल ही में किसने भारत के सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है? वो केंद्रीय थे और ये भारत के सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ लिया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, सुरेश एन पटेल। दोस्तों सुरेश एन पटेल ये आपके सामने हैं, जो कि हाल ही में नियुक्त किए गए हैं विजिलेंस कमिश्नर, भारत के सतर्कता आयुक्त। सुरेश एन पटेल ने भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी CBC, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली। उन्होंने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी के नेतृत्व में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पद की शपथ ली है। CBC में दिसंबर 2022 के अंत तक उसका 2 वर्षों का कार्यकाल होगा, और वर्तमान समय में CBC में जो कार्यकाल है सतर्कता आयुक्त का वो है 4 वर्ष का, या जब तक कि 65 वर्ष की आयु न हो जाए। विजिलेंस कमीशन का स्थापना हुआ था फरवरी 1964 में, और इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है नई दिल्ली में, और ये आपके सामने ऑप्शन ए में जो शरद कुमार दिख रहे हैं ये भी एक भारत के सतर्कता आयुक्त हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां, भारत सरकार ने किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? भारत सरकार ने किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, TS त्रिमूर्ति। TS त्रिमूर्ति ये आपके सामने है दोस्तों, जिन्हें भारत सरकार ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में अगला राजदूत नियुक्त किया है। भारत सरकार ने TS त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत या अस्थाई प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया। वह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थाई प्रतिनिधि के रूप में सैयद
अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे। अच्छा ये ऑप्शन देख लेते हैं, विनय मोहन क्वात्रा, ये आपके सामने जो दिख रहे हैं विनय मोहन क्वात्रा जो कि नेपाल में भारत के राजदूत हैं, और गोपाल बागले श्रीलंका में भारत के राजदूत हैं। अब चलिए यहाँ यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र का बात आया था, संयुक्त राष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। इसके सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किसे पीएनबी हाउसिंग के अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? पीएनबी हाउसिंग के अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, नीरज व्यास। दोस्तों नीरज व्यास को हाल ही में पीएनबी हाउसिंग के अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये आपके सामने मुस्कुराते हुए नीरज व्यास। तो दोस्तों नीरज व्यास को 8 महीने के लिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंतरिम प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने संजय गुप्ता का स्थान लिया है जो कि ऑप्शन ए में दिख रहे हैं, और सतीश कुमार गुप्ता ऑप्शन सी में जो दिख रहे हैं ये पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में क्रिसिल ने फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए भारत की जीडीपी की वृद्धि कितने फीसदी कर दी है? क्रिसिल ने फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए भारत की जीडीपी की वृद्धि कितने फीसदी कर दी है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1.8%, 1.8% कर दिया है क्रिसिल के द्वारा भारत की जीडीपी वृद्धि, जो कि पहले अनुमान लगाया था 3.5% का। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने भारत के लिए 2020-21 यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जीडीपी विकास दर के अनुमान को 3.5% की पिछली भविष्यवाणी से 1.8% घटाकर कर दिया है। चलिए क्रिसिल का बात आया तो क्रिसिल के बारे में जान लेते हैं, जिसके सीईओ हैं आशु सुयस और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं थर्माकृति जोशी, और इसका हेडक्वार्टर है क्रिसिल का मुंबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में मूडीज ने भारत की जीडीपी 2020 के लिए कितने फीसदी रहने का अनुमान लगाया है? मूडीज के द्वारा भारत का जीडीपी 2020 के लिए कितने फीसदी रहने का अनुमान लगाया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 0.2%। दोस्तों 0.2% रहने का अनुमान लगाया गया है मूडीज के द्वारा भारत का जीडीपी 2020 के लिए। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज ने मार्च में अनुमानित 2.5% से कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान घटा करके 0.2% कर दिया है, और 2021 के लिए भारत की जीडीपी दर 6.2% रहने का भविष्यवाणी भी किया है। अब चलिए मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज के बारे में जान लेते हैं, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएस में, और इसके प्रेसिडेंट एंड सीईओ हैं रेमंड व्हाइटहेड मैकडेनियल जूनियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में राष्ट्र में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है? पूरे राष्ट्र में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 30 अप्रैल। दोस्तों 30 अप्रैल को राष्ट्र में आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया गया है। राष्ट्र ने 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया। इस दिन का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डेटाबेस के आधार पर देश के दूरदराज के क्षेत्रों में सस्ती चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देना है। चलिए आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों हाल ही में दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? और ये क्वेश्चन दोस्तों आप रट लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, इनका और इरफान खान का देहांत के बारे में आपको एग्जाम में पूछा जाएगा जरूर दोस्तों, क्योंकि ये बॉलीवुड अभिनेता है। हाल ही में दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर, दोस्तों बहुत अच्छे अभिनेता थे ऋषि कपूर, जिनका कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 67 वर्ष, यानी 67 वर्ष की उम्र में ऋषि कपूर दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता का निधन हो गया है, और ये आपके सामने है दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर। तो चलिए दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को फेसबुक ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल के बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा दोस्तों। और मेरा अगर आपको डेली करंट अफेयर्स का क्यूज खेलना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर शेयर कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। रोज शाम को 4 बजे क्यूज होता है करंट अफेयर्स और जीके का दोस्तों। चलिए दोस्तों थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा, स्टे होम सेव लाइफ।